विरोधी, मेरे मोहर क्रिस्त विरोधी का पर्दाफाश, राइट। उसके बाद दूसरा मोहर जब परमेश यीशु ने खोला तो क्या देखते हैं, दूसरा मोहर क्या था, बड़ा मल बड़ा युद्ध होने वाला है, और तीसरा विश्व युद्ध। मैं हम 2-3 बुधवार के पहले हमने सिखाया था कि इज़राइल देश के विरुद्ध इस महायुद्ध होने वाला है। मैं वो है रशिया और मिडिल ईस्ट का जितने लोग, अरब, सऊदी अरेबिया, टर्की, ईरान, इराक, सब लोग साथ में मिलकर आएंगे और इज़राइल के विरुद्ध जाएंगे। क्यों इज़राइल के ऊपर वो लोग टारगेट करते हैं, ये इज़राइल परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। कभी भी इज़राइल के विरुद्ध कभी बात मत करो, अगर कोई बात करते उनको कभी चुप करना है। आमेन। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि 122 पद संहिता में इज़राइल की शांति के लिए प्रार्थना करो। हर दिन हमको इज़राइल के लिए प्रार्थना करना, हम हर रोज इज़राइल को आशीष देते हैं, यहूदी लोग को आशीष करता है। बोलते हैं जो उनको आशीष करेंगे वो खुद आशीष पाएंगे। हालेलुया। तो दूसरा मोहर जब खोला था, हम देखते हैं वहां पर महायुद्ध, हत्या, आतंकवादी लोग के अंदर कुछ विवेक नहीं रहेंगे, वो एक दूसरे को काट डालेंगे, बच्चों को मार डालेंगे, ऐसे समय आने वाला है। हालेलुया। तो तीसरा सिक्का जब खोला तो क्या देखता है, अकाल। जब भी युद्ध होता है क्या होता है, अकाला होता है, पैसे नहीं रहेंगे, खाने के फांदा होगा, तो अकाल। तो चौथा मोहर जब खोला तो क्या देखता है वहां पर, मैन वहां पर मौत, मैन बहुत लोग मरने वाला है, इस जो न्याय होने वाला है इस पृथ्वी में बहुत सारे लोग, तो चौथा ही लोग पृथ्वी में मर गया है। मैन और उसके साथ साथ अधोलोक, अधोलोक क्यों है उसके पीछे पीछे, क्योंकि जितने लोग अविश्वासी मरेंगे वो डायरेक्ट नर के आग में जाएंगे, एक एक दो साल नहीं, अनंत काल तक वो किधर रहेंगे, वो नर के आग में रहेंगे, हालत जलते जाएंगे, बहुत ही भयानक समय रहेंगे। इससे अपना दुश्मन भी वापस नहीं जाना है। हालेलुया। इससे अविश्वास के लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। ओके। फिर पांचवा मोहर जब खोला तो क्या देखते हैं कि बहुत सारे विश्वासी लोग जो यीशु को अपनाते हैं, यीशु इस प्रापर के बाद बहुत सारे लोग विश्वास में आएंगे, तो वो लोग जब आएंगे तो वो लोग शहीद होगा, मैन वो लोग बच नहीं सकते। कितने लोग हैं, कोई लोग बचकर पहाड़ में गिरा तो जंगल में जाके छिपेंगे, और क्रिस्त विरुद्ध उनको पकड़ेगा तो बहुत बिहार करके उनको मार डालेंगे। अरे वो है पांचवा सिक्का जब खोला तो वो देख रहे हैं, और छठवा सी मोहर, जब छठवा मोहर खोला तो क्या देखते हैं, प्रकृति के विपत्तियां वापर हम देखते हैं। हालेलुया। क्या क्या विपत्ति आया वहां पर, प्रकृति का अर्थक्वेक, भूकंप, फुलडोल, ज्वालामुखी, वोल्केनोस, और बड़े बड़े तारे, जैसे अंजीर के पके फल गिरता है अंजीर के पेड़ से, वैसे ही तारे गिरने लगे, क्योंकि क्या बोलते हैं, भूकंप हो गया, कि परमेश्वर इस धरती को हिला रहे हैं, प्रकोप परमेश्वर के इधर आए हैं, न्याय आया है, सब को हिला रहे हैं। मैं हालेलुया। इतना तक कि हमारे धरती अभी पूरा से झुक गया है, ऐसे बहुत सारे आफते इस धरती में होने वाला है। अगर ये सब न्याय है, परमेश्वर का न्याय है, और हमने देखा कि परमेश्वर की न्याय जो है 3 बार क्या बोलते हैं विभाग किया है, देखेंगे 3 बार में, सबको आवाज आ रहा है? 3 बार में विभाग किया ये न्याय, वो है 7 साल, 1 बार में 7 न्याय रहेंगे। पहले हम देखते हैं कि यीशु के मोहर, हालेलुया, एमेन। 3 बाग में, वी हैव दैट पिक्चर ऑफ दैट, ओके। 3 बाग में परमेश्वर के न्याय को विभाग किया है, देखो यहाँ पर है, पहला बाग क्या है, 3 बाग में मोहर, जब यीशु मसीह मोहर को खोलेंगे, 7 मोहरों को खोलेंगे, क्या होगा, एक एक न्याय इस पृथ्वी पर उंडेलेंगे, प्रभु के प्रकोप, गुस्सा इस पर उंडे लेंगे, धरती पर लोग मर जाएंगे, बहुत लोग मरने वाला है, कोरोना वायरस कुछ भी नहीं है, जो आने वाले जो भी घटने होने वाले बहुत ही भयंकर है, वहां पर जो भी इस महाक्लेश में रहेंगे बहुत ही सताव से वो लोग जाएंगे। फिर हम देखते हैं दूसरा बात, तुरियों का न्याय, हमें जब तुरी, जब 7 स्वर्गदूत तुरी को फूकेंगे, फिर से न्याय आएंगे, बहुत लोग मरेंगे यहाँ पर भी। और दूसरा बात हम देखते हैं कि जब
स्वर्गदूत उस प्याला को, उस कटोरों को उन प्रभु के प्रकोप को उंडेलेंगे इस धरती पर, बहुत सारे लोग मरेंगे। हालेलुया। ऐसा करके सात 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 तीन बार, उसका मतलब 21 न्याय इस धरती पर होने वाला है, बहुत सारे लोग मरने वाला है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम कितना अभी तक कितना न्याय हो गया। हम पहले विषय में, पहला मोहर की और सात मोहर है उसमें से छह मोहर खत्म हो गया। यस, छह मोहर के बाद सात मोहर होना है, परंतु इस वचन में हम प्रकाश छह अध्याय तक हो गया है, सातवें अध्याय में छठवां मोहर हम नहीं देखते हैं। वहां पर सातवां अध्याय में हम देखते हैं वहां पर एक इंटरवल हो जाता है, इंटरवल। हालेलुया, जैसे आप पिक्चर के लिए जाते हैं, मूवी के लिए जाते हैं, क्या देखते हैं मूवी, अच्छी तरह से बहुत सारे चीज हो रहे हैं, अभी विलेन अभी हीरो को मारने वाला है, तभी इंटरवल, फिर आप क्या जाते हैं पॉपकॉर्न लेके आते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, ऐसे ही इंटरवल। हालेलुया, वैसे ही ये सात अध्याय जो है छठवां मोहर खोलने के बाद सातवां होना चाहिए, पर सातवां नहीं होता है। सात अध्याय में हम देखते हैं कि एक इंटरवल होता है और परमेश्वर कुछ सूचनाएं हमको देता है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं। आज उस सूचनाएं के बारे में हम सीखेंगे। आज हम मोहर नहीं, वहां पर सातवां अध्याय में मोहर के बारे में लिखा नहीं है, वो इंटरवल है। वैसे ही हम देखते हैं तुरियों के बारे में भी, जब छठवां तुरी के बाद इंटरवल होते हैं, फिर सातवां तुरी आते हैं। वैसे ही प्याला या कटोरों का न्याय में भी छह कटोरे के बाद इंटरवल आता है, फिर सातवां कटोरा उंडेलता है। तो ऐसे इंटरवल्स रहते हैं, तीनों भाग में इंटरवल्स है, मोहर के छठवां, तुरी के छठवां और कटोरे के छठवां भाग के बाद इंटरवल्स आते हैं। और इंटरवल्स में परमेश्वर कुछ सूचनाएं हमको देता है। हालेलुया, सूचनाएं के जानकारी के लिए प्रभु इंटरवल्स बनाया है। ओके, अभी हम जाएंगे प्रकाशित सात अध्याय उसका एक पढ़ेंगे। रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 1, वी आर गोइंग टू रीड दैट। आइए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य सात का एक। सब अपने बाइबल को लेके आया है। ओके, आज ध्यान पूर्वक सुनिए, बहुत सारी चीज हम सीखने वाले हैं। प्रभु के करुणा जितना वो प्रकोप करते, पर वो एक बचाने के लिए भी वो कोशिश करता है। हालेलुया, हम पढ़ेंगे प्रकाशित सात एक। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कानों पर, हाँ चारों कोनों पर हाँ चार स्वर्गदूत खड़े, हाँ क्या देखा योनान, चार स्वर्गदूत पृथ्वी के चार भाग कर खड़े है, और पृथ्वी की चारों हवाओं को, हाँ वो पृथ्वी की चार हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। हालेलुया, ये क्या है हवा और ईश्वर स्वर्गदूत, हालेलुया हम सीखेंगे उसके बारे में। हालेलुया, तो ये चार स्वर्गदूत चार हवा को ताम के रखा है ताकि ये हवा जाकर पृथ्वी को नष्ट ना करे। अरे ये चार हवा क्या है, देखिए यहाँ पर देखते हैं चार स्वर्गदूत पकड़ के रखा है हवा को। अब ये हवा क्या है, कौन बताएंगे, कौन बता सकते हैं हवा क्या है, आप बोल सकते हैं अगर आपको मालूम है, चैट में लिखिए, अगर आपको मालूम है। ओके थोड़ा ओके, ये चार हवा क्या दर्शाते हैं, चार कोने से आते पृथ्वी के ऊपर, चार हवा प्रभु का न्याय है, परमेश्वर का प्रकोप इस पृथ्वी में आने वाला है। हालेलुया, हर टाइम अभी मैंने बोला तीन बाग, आमीन, जब एक एक बाग उतर निकल जाता है, दूसरा बाग उससे भी भयंकर है, तो तीसरे बाग में आएंगे जो साढ़े तीन साल शेष बाग इस महाक्लेश में बहुत ही भयंकर होगा, बहुत बुरा होगा। हालेलुया, तो ये सात, ये चार वायु जो है वो क्या है, वो परमेश्वर का प्रकोप है। हम पढ़ेंगे, कम बैक, ओके हाँ ओके। अभी हम देखेंगे प्रकाशित 6:17 में हमने एक वचन पढ़ा था अंत में, वहां पर क्या लिखा है, सब लोग बहुत डरा हुआ है क्योंकि सारा पत्थर आ रहे हैं, भूकंप हो रहे हैं, उन्हें क्या हो रहा है यहाँ पर, और वो लोग चिल्ला के बोलते क्योंकि क्या बोलते उन लोग, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। हाँ, परमेश्वर की प्रकोप के भयानक दिन आ पहुंच गया है, कौन ठहर सकता है परमेश्वर के क्रोध से, कौन बच सकता है,
और प्रकाशित वाक्य साथ में लिखा है कौन बच सकता है। हालेलुया, आपके हिसाब से कौन बचेंगे परमेश्वर के क्रोध से, अभी हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य साथ। क्योंकि साथ में जब हम लिखे कि वहां पर चार स्वर्गदूत चार कोने में खड़ा होकर उस वायु को क्या करते हैं, थामे रहते हैं ताकि वो धरती में ना जाए। हालेलुया, तो ये वायु क्या है, यरमिया 39:36 में लिखा है, क्या लिखा है, और मैं आकाश के चारों ओर से वायु बहाकर परमेश्वर कहता है उन्हें चारों दिशाओं में और उन्हें चारों दिशाओं की और यहाँ तक तितर बितर करूंगा। हाँ, उन्हें तितर बितर में वायु भेज कर उन्हें तितर बितर करूंगा कि ऐसी कोई जाति न रहेगी जिसमें एलामी भागते हुए न आए। हाँ, एलामी भागते, मुझे ये क्रोध एलामी एलाम के ऊपर है क्योंकि उसने कुछ परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। तो क्या परमेश्वर क्या करता है, उसके ऊपर वायु, चार वायु, चार वायु क्या है, परमेश्वर की न्याय प्रकोप उसके ऊपर उंडेलता है, उसे नष्ट करता है। उसी तरह तो वायु का मतलब क्या आप जान लिया, वो परमेश्वर का प्रकोप है। क्यों परमेश्वर का प्रकोप इस दुनिया में होता है, क्योंकि लोग पाप करते हैं। हालेलुया, क्योंकि बहुत सारे निर्दोष लहू बहता है अबॉर्शन के द्वारा, लोग बच्चों को मार डालते हैं पेट में ही। हालेलुया, उनके गले काट देते हैं, आपको मालूम है ऑपरेशन के द्वारा वो कैंची लेके उनके गले को काट देते हैं अबॉर्शन। हालेलुया, बहुत लोग अबॉर्शन करते हैं और बहुत लोग बच्चे के, बहुत सारे लोग बच्चों को सताते हैं, बहुत सारे पाप बढ़ गए हैं जिसका वजह से परमेश्वर अभी चुप नहीं बैठेंगे, पर उसके प्रकोप इस पूरा पृथ्वी में उंडेलेंगे। पर अब कितना अच्छा है कि परमेश्वर के प्रकोप यीशु के ऊपर आया, इसलिए हम सब विश्वासी लोग बच गए, नहीं तो हम भी इस महाक्लेश में पड़ते थे। हालेलुया, परमेश्वर हमारे सारे पिछले हुए बीते हुए पापों को क्षमा कर कर हमें नया बना दे। क्या एक खुशखबरी है, यस, कितना बड़ा बात है कि यीशु ने हमें बचाया, नहीं तो हम 7 साल के वेदना में हम जाना पड़ता था। हालेलुया, पर परमेश्वर ने हमें बचाया। हालेलुया, वापस हम जाएंगे उसी वचन में, प्रकाशित वाक्य 7:1। तो वहां पर हम क्या देखता है, ये हो क्या, ये प्रकोप क्या है, एक प्रकोप क्यों आया है, ये वायु, चार वायु क्या है, पहला वो यीशु का परमेश्वर का क्रोध है, दूसरा जैसे मैंने बोला 3 भाग में ये न्याय को विभागा है, पहला क्या है मोहर, दूसरा 7 मोहरे 7 तुरिया और 7 कटोरे न्याय के प्रकोप आने वाला, उसका मतलब टोटल 21 न्याय इस धरती पर आने वाला है। ओके, दूसरा क्या है, चार वायु, ये न्याय क्रोध उनके ऊपर किसके ऊपर बरसाएंगे, परमेश्वर के क्रोध जो अविश्वासी लोग, विश्वासी लोग के ऊपर नहीं है ये क्रोध, किसके ऊपर बरसाएंगे, अविश्वासी लोग जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो परमेश्वर के हटीला है वो सुनता नहीं है, वो परमेश्वर यीशु को तिरस्कार किया है, यीशु को मसीह जैसा मानता नहीं, मानती नहीं है। हालेलुया, वो अपने अपने इच्छा के अनुसार चलता है, हालेलुया, यीशु के लिए टाइम नहीं है। हालेलुया, ऐसे अविश्वासी लोग इस क्लेश में रहेंगे और बहुत सारे विश्वासी लोग भी रहेंगे क्योंकि उनको टाइम नहीं है यीशु के लिए, बहुत सारे टाइम मोबाइल में बैठता है, उनको यीशु के लिए टाइम ही नहीं है, बोलते यीशु सिर्फ हमारा वेटर बनकर हमारे जरूरत को पूरा कर। पर जैसे मैंने बोला, यीशु के साथ जो भी है वो धर्म नियम, वो रिश्ता है। आमीन, मसीह जीवन धर्म नियम, मसीह जीवन एक रिश्ता है। बहुत लोग मसीह लोग भी इधर छूटने वाला है, वो इस महाक्लेश में आने वाला है क्योंकि वो लोग ने यीशु को मन से इनकार कर दिया। यीशु तो मसीह है, मसीहदायक, मसीह नामदायक है, परंतु बहुत सारे लोग यीशु के वचन के अनुसार चलता नहीं है, वो आज्ञाकारी नहीं है यीशु का। आमीन, अधिकार के अधीन में नहीं आता है, वो लोग धोखा देता है, दूसरों को गिराता है, बहुत सारे पाप में फंसा हुआ है, ऐसे लोग यहाँ पर रहेंगे। तो अगर आप कौन सा भी ऐसे पाप में है, परमेश्वर से रोइए, बोलिए प्रभु मुझे ये महाक्लेश में नहीं होना है, मुझे बचा लो, यीशु जब आएंगे मुझे यीशु के साथ उड़ना है। हालेलुया, आज से तय करो। हालेलुया, मैं मोबाइल में बैठ के इंस्टाग्राम, क्या क्या आजकल क्या मैसेंजर, बहुत सारी चीज अभी आए हैं, व्हाट्सएप तो पहले, हालेलुया, स्टेटस वॉच डाउन अर्थ, आमेन, यस, बहुत सारे क्लेश आने वाले हैं इस वॉच डाउन अर्थ में, इसलिए अपने आप को बचाओ
अपने परिवार को बचा, अपने बच्चों को कार्टून में बड़ा छोटा भीम, WW, PUBG, ये सब दिखाओ मत, ये सब गलत है। प्लीज इस बच्चों को भी बचा के रखो। अगर आप निकल जाएंगे रैप्चर में, आपके बच्चे या युवक लोग इधर रहेंगे, सोचो अंतकृष उनको काट डालेंगे। हालेलुया, इसे अपने बच्चों को भी सावधान करो, उनको लिए प्रार्थना करो। हटीला मत बनो, अधीन में आओ, यीशु के अधीन में आओ, अधिकारों के अधीन में आओ, प्रभु के वचन को सुनाओ सबके पास। पहले कितने वचन आप सुनाते थे, अनेक लोगों को यीशु में लेके आते, अभी क्या हुआ, ठंडा हो गया, ज्यादा टाइम अभी फोन में रहते, इधर क्या होता है उधर क्या होता है, कलीसिया में क्या होता है इधर क्या होता है, धोखे में मत बैठो। बहुत सारे लोग नहीं जाएंगे, इसे कृपा करके प्रार्थना के लिए टाइम बिताइए, परमेश्वर के टाइम बिताइए। अभी रोइए अपने पापों के ऊपर, रोइए हर दिन, सुबह उठकर बोलिए परमेश्वर इस पापों को मेरी जिंदगी से निकाल। एक कड़वाहट, एक क्रोध, एक चुगली, एक दूसरों को गिराना, धोखा, पीछे से धोखा देना, लोगों के पीछे से बात करना, ये सारे चीज मेरे जीवन से निकाल। हालेलुया, व्यभिचार के रिश्ते, हालेलुया, कौन सा भी चीज में आप फंसा हुआ है, दारू पीना, मिस्री घसना, ये सबसे अपन को बाहर आना है। हमें पवित्र जीवन जीना है, यीशु के लिए जीना है, अपने आप को यीशु के लिए बिक जाओ। यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है, वो यीशु के लिए जियो। जब यीशु के लिए जिएंगे वो सब कुछ आपके लिए अच्छा ही करेंगे। हालेलुया, कितने लोग तैयार है यीशु के लिए जीने के लिए? क्या आप यीशु के साथ जाना चाहते हैं? यस, मैं समझ सकता हूं हम सब जाएंगे, जितने लोग यहाँ पर हम सब जाएंगे। इसे एक प्रकाशित वाक्य हमने दिया है ताकि आप सब तैयार हो जाए। बहुत सारे लोग, विश्वासी लोग को नहीं मालूम है कि ये यीशु आने वाला है, और बहुत लोग जानकर भी बोलते हैं यीशु तो असर थोड़े होते हैं, यीशु नहीं आएंगे, पर यीशु आने वाले, की प्रभु का बाइबल में वचन में लिखा है। हालेलुया, ते वायु आ रहे पृथ्वी के ऊपर, बहुत लोग मर जाएंगे। हालेलुया, बेहाल मर जाएंगे। हालेलुया, और आमेन। सो अविश्वासी के ऊपर क्या आएगा? ये क्रोध आएंगे, प्रकोप आएंगे, ये वायु उनके ऊपर आएंगे, और जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है वो सब के सब मर जाए, बहुत लोग मरने वाला है। हालेलुया, चालीस छिन लोग बचेंगे। हालेलुया, और जिसके ऊपर क्रिस्त विरोधी के चाप है, देखो अगर आप लोग से कोई भी, आपके रिश्तेदार को भी बोल के रखो, आपके भाई बहन जो उद्धार नहीं पाया है, अगर आप इस महाक्लेश में है, आप रैप्चर में नहीं गया है, अगर कोई भी इधर रहेगा, वो लोग बोलते अभी यीशु के ऊपर विश्वास नहीं किया, बाद में विश्वास करते हैं, कोई बात नहीं, परंतु अगर आप रह गया, तीन चार बात सुनिए आप। पहला, आपको शैतान के मार्ग, क्रिस्त विरोधी के चाप को नहीं लेना है। अगर ट्रिपल सिक्स जो बोलता, अगर लेंगे आप सीधा आपके झील में फंस जाएंगे, परमेश्वर आपको उसमें डाल देंगे। हालेलुया, आप अंधकृष्ट और अविश्वास के साथ किस किधर डाले जाएगा? उस आग के झील में। हालेलुया, और परमेश्वर के क्रोध आपके ऊपर बरसाएंगे। तो आप कभी भी, अगर आप यहाँ पर है महाक्लेश में, कभी वो चाप मत लीजिए। तो ऐसे लोग के ऊपर जो शैतान के चाप लेता है, जो अविश्वासी, जो मूर्ति पूजक है, जिसके माथे पर परमेश्वर के चाप नहीं है, मोहर नहीं है, वो सबके सबके ऊपर क्या आएंगे? ये चार वायु आप पड़ेंगे, ये परमेश्वर का क्रोध आप पड़ेंगे। ओके, हालेलुया, तो हमें इस प्रकोप से बचना चाहिए। हालेलुया, और हम पढ़ेंगे प्रकाशित 7:2-3, 2 पढ़ेंगे। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीत के, हाँ, अभी 5-4 स्वर्गदूत क्या करता है? उस वायु को ताम के रखा है। अभी एक पांचवा स्वर्गदूत उस सीन में आता है, वहां पर आते हैं। क्या करते हैं स्वर्गदूत, क्या करते हैं? उस स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए, हाँ, उस स्वर्गदूत जीवते परमेश्वर की मोहर लेकर आए हैं, स्वर्ग से आया, उतर आया है धरती के पास, और पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। हाँ, वो पूरब से आ रहा है। पूरब क्या दर्शाता है? न्याय। पूरब की ओर वो से आ रहा है, और उसने उन चारों स्वर्गदूत से, हाँ, उसने वो चारों स्वर्ग जो पकड़ा है वायु को, उनसे कुछ कह रहा है। ओके, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, जिन्हें पृथ्वी और वायु क्या करने वाले है? पृथ्वी को नाश करेंगे, समुद्र को नाश करेंगे, और पेड़ को भी उजाड़ने वाले है। हालेलुया, इसके ऊपर न्याय करने के लिए जो स्वर्गदूत इंतजार कर रहे हैं, उनको बोले टेरो में क्या लेके आया है? परमेश्वर की छाप, परमेश्वर की मोहर लेके आया है। टेरो अभी मत, तो ये वायु को बहने मत दो पृथ्वी में, पहला में क्या करेंगे? ओके, हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। आगे हम देखेंगे प्रकाशित 7 का थीम। ओके ओके, जैसा मैंने बोला वायु आने वाला है, पृथ्वी में बहुत नाश होने वाला है। हालेलुया। तो ये क्या हम देखेंगे प्रकाशित 7 का 3। जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के साथ आते पर, तो पांचवा स्वर्गदूत क्या बोलते हैं 4 स्वर्गदूत को, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर, हाँ परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दे, मोहर ना लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाए। यस, स्वर्गदूत क्या बोलते हैं इस 4 स्वर्गदूत, अरे थाम के रखो, अभी तक वो प्रकोप को जाने को मन दो। पहला मैं क्या करता हूँ, जितने परमेश्वर के लोग है उनके ऊपर मैं मोहर लगाएंगे, पर जीवित परमेश्वर का मोहर लगाएंगे, उनको बचाए। ये मोहर लगाने से क्या होगा, वो बच जाएंगे, उनका मोहर लगा के उनको सुरक्षित रखेंगे। बाद में इस वायु को उंडेल दो इस पृथ्वी में, न्याय आने दो इस पृथ्वी में। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है, परमेश्वर का मोहर लगाने का मतलब कौन बताएंगे? हालेलुया, कौन बताएंगे इसका मतलब क्या है? हालेलुया, इसका मतलब है परमेश्वर जिनके ऊपर, यस हम देखिए वो तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये स्वर्गदूत आकर सारे लोग के ऊपर क्या लगाते हैं, मोहर लगाते हैं। कौन है लोग, 144 लोग, 144,000 लोगों के ऊपर मोहर लगाते हैं। कौन लोग हैं हम देखेंगे। अच्छा, जैसा हमने वचन 3 पढ़ा, क्या लिखा है वहां पर, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर, परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र, हाँ उनको बचा के रख, जब तक मैं मोहर नहीं लगा तो उनके बचा के, इस पृथ्वी को बचा के रख। ओके, इससे वहां पर आकर हम देखते हैं कि वो मोहर लगाता है। ओके, चौथा भी हम पढ़ेंगे, और जिन पर मोहर दी गई, जिन पर मोहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी। हाँ, उनका गिनती कितना था, वो कौन थे, उनकी गिनती सुनी कि इज़राइल की संतानों के सब गोत्रों में से 144,000 पर मोहर, 144,000 ऊपर मोहर लगाए गए। हालेलुया। तो किसके ऊपर मोहर लगाए गए, 144 कौन थे, क्या वो कलीसिया के लोग हैं? बिल्कुल नहीं। यहोवा विटनेस, कितने लोग यहोवा विटनेस को मालूम है, इन लोग बोलते कि ये हम लोग हैं। अगर जो विटनेस लोग है, वो तो 4 बिलियन लोग जो विटनेस में है, 1 लाख ही जाएगा उसका मतलब। दूसरा क्या होगा, ये झूठ है, जो विटनेस लोग झूठ को फैलाता है। अगर आप जो विटनेस लोग आपके घर में आएंगे, उनको कभी भी घर पे मत लो, क्योंकि वो गलत शिक्षा को लेकर आपको डुबाएंगे, आपको नर्क में लेके जाएंगे। तो कभी भी जो विटनेस की बातों को कभी मत सुनिए। अगर आपके घर में आएंगे, प्लीज हमको हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको बताएंगे क्या बोलना है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम जो विटनेस बोलते हैं, ये 144,000 हम लोग है, वो नहीं है। ऐसा कोई सिखाते तो प्लीज उनका बात सुनो मत, ना ही वो कलीसिया के लोग है। ये लोग कौन है, ये लोग इज़राइल के बच्चे हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग है। हालेलुया। 12 गोत्र के लोग है ये लोग। हालेलुया। तो ये लोग है जो परमेश्वर मोहर लगाने वाला। देखो, परमेश्वर ने एक्चुअली किसको चुना था, उनके प्रिय बच्चे कौन है पिता परमेश्वर का, इज़राइल लोग, क्योंकि उसने बहुत सारे पहले बहुत सारे सारे वर्ष पहले अब्राहम को क्या किया था, अब्राहम को उसने वायदा किया था, प्रतिज्ञा किया था कि मैं तुझे बड़ा पिता बनाएंगे, हर देश जाते जाते के पिता बनाएंगे, और आपके वंश बहुत ही आशीष लेंगे। हालेलुया। जो आपको आशीष करेंगे वो आशीषित है, जो आपको विरुद्ध जाएंगे वो श्रापित है। हालेलुया। तो ऐसे कर परमेश्वर ने क्या किया, उन्होंने यहूदी लोग को बताया था। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। ओके, उसके बाद हम देखते क्या देखते कि
परमेश्वर ने अपने वायदा को पूरा किया। परंतु क्या होगा, जब इज़राइल लोग के लिए यीशु मसीह आए थे उनको बचाने के लिए, इज़राइल लोग हठीला हो गया और पूरा इज़राइल के यहूदी जितने लोग हैं वो भटक गए, भरमा गए और वो बोलते यीशु मसीह नहीं है, हालेलुया, और वो यीशु को इनकार किया। इसे परमेश्वर का प्रकोप उनके ऊपर होया, परमेश्वर उनको छोड़कर अन्य जाति के ऊपर अपने हृदय को लगाया। और हम जैसे लोग, हम सब अन्य जाते हैं क्या, कोई भी है जो यहूदी लोग के नहीं, हम सब अन्य जाते, हमारे ऊपर परमेश्वर की दया आया, करुणा आया, हालेलुया, और हम बच गए, प्रेज लॉर्ड। इसे या रैप्चर तक परमेश्वर की दृष्टि हमारा ऊपर है और रैप्चर के बाद परमेश्वर जब कलीसिया को निकाल जाएंगे इस धरती पर, वो बचकर स्वर्ग में जाएंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि यहूदी लोग के ऊपर होगा, हालेलुया, यहूदी। इसलिए 144,000 कौन है, परमेश्वर ने यहूदी लोग का अभी चांस, उनके पूरा फोकस अभी परमेश्वर, कलीसिया तो निकल गए तो पूरा फोकस अभी वापस परमेश्वर के प्रिय लोग यहूदी लोग इज़राइल के ऊपर रहेंगे, हालेलुया। ऐसा लिखा है इनके बारे में कि परमेश्वर ने जैसा प्रतिज्ञा, वो परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को कभी नहीं बोलता है, क्योंकि अब्राहम से प्रेम किया, अभी प्रभु बोलते हैं यस मैं उस वायदा को पूरा करेंगे, मेरे यहूदी लोग को बचाएंगे, नहीं तो यहूदी लोग भी अविश्वास की तरह मर जाएंगे। इसे जो लोग इस महाक्लेश में रहेंगे, जितने यहूदी लोग है, 144,000 लोग को प्रभु चुन नहीं किया है, क्यों 144,000, क्योंकि वो लोग है जो यीशु के ऊपर प्रेम करेंगे, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे। कैसे वो विश्वास किए 144,000, जब रैप्चर हो जाता है तभी इज़राइल लोग की आँख खुल जाता है, अरे बाप रे लोग सचमुच निकल गया है। उसका मतलब है पुराना नियम में जो लिखा है, नया नियम में लिखा है, वो सब सच्चा है, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, अरे ये लोग सब निकल गए, उड़ गए, ये सब सच्चाई है। हम लोग सोचा ऐसे ही बोल रहे हैं, उसका मतलब यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, वही सच्चा मसीहा है। उस समय यहूदी लोग, बहुत सारे यहूदी, सब नहीं, बहुत सारे यहूदी लोग यीशु मसीह के और फिरेंगे और यीशु मसीह को अपना मसीहा स्वीकार करेंगे। जो यीशु को टुकराया अभी वो यीशु मसीह को मसीहा स्वीकार करेंगे, वो यीशु को जानने लगेंगे, मैं यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे, वो उद्धार पाएंगे। तो बहुत सारे यहूदी मसीहा लोग रहेंगे, उसके उनके ऊपर परमेश्वर के करुणा तरस आएंगे, परमेश्वर उनको सुरक्षित रखेंगे। हाँ मैं पूरा पृथ्वी को नाश करने वाला है, पर उसके पहले मेरे छुटे हुए लोग कहाँ पर है, जाओ स्वर्गदूत उनके ऊपर क्या लगाओ, उनके माथे पर मोहर लगाओ, उनको सुरक्षित रखो, उनके ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, उनको सुरक्षित रखो, उसके बाद न्याय लेके आओ, मेरे प्रकोप इसके ऊपर रहने दो, पूरा पृथ्वी के ऊपर आकर उनको पूरा तरह से नष्ट करो, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 144,000 कौन है, ये यहोवा विटनेस लोग नहीं है या विश्वासी नहीं है, हालेलुया। और ये वादा परमेश्वर ने अब्राहम को दिया, उस वादा के अनुसार परमेश्वर ने क्या किया, इज़राइल लोग को अभी बचा रहे, हालेलुया। तीसरा वहां पर क्या लिखा, इज़राइल के ऊपर रैप्चर, इज़राइल तभी आएंगे यीशु के पास, जब रैप्चर होने के बाद बहुत सारे इज़राइल लोग यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे, वो सब उद्धार पाएंगे। और यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए, आमीन, पहले यहूदी लोग याद, हाँ एक और बात, आमीन, जब ये यहूदी लोग बहुत कट्टर है, एक बार यीशु में आएंगे वो लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे। हम लोग विश्वास क्या है, अरे लोग का ही मरना, हमें कसम सुसमाचार देना, अरे तो का हमें पागल बोलना, आता ये क्रिश्चियन जालो बनना, और हम लोग यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं फैलाते। पर ये लोग 144,000 जो हम 2000 साल हमने नहीं किया है, हमने सुसमाचार नहीं बांटा है, ये 7 साल में इतने सारे लोग को सुसमाचार बताएंगे, सबको यीशु में लेके आएंगे, क्योंकि 7 साल के बाद यीशु मसीह वापस आने वाला है यहूदी लोग को बचाने के लिए। हालांकि क्योंकि यहूदी के विरुद्ध सारे लोग, सारे देश लोग, सारे पृथ्वी के लोग यहूदी के विरुद्ध आएंगे, उसके पहले वो क्या करेंगे, परमेश्वर आएंगे उनको बचाने के लिए, पर परमेश्वर के वचन सब जगह फैलाएंगे। क्योंकि मत्ती 24:14 में क्या लिखा है कि सारे पृथ्वी में, यस, और राज्य का यह सुसमाचार, और राज्य के यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, सब जातियों पर गवाही हो, सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा, तब अंत आ जाएंगे। देखो इसके बारे में, इसके क्या है, इसके मतलब, उसका मतलब है यीशु मसीह दूसरा बार आने वाले धरती पर। पहला बार यीशु मसीह शिष्य होकर आया हमको बचाने के लिए,
अरे एक अवतार, एक बच्चे के अवतार लेकर आया इस दुनिया में, वो हमारे क्रूस पे मरा, तीसरे दिन वो जी उठा, हालेलुया। अभी वो फिर से धरती पर आएंगे हमारे साथ, हालेलुया। अभी दूसरा बार आप बोले नहीं, दूसरा बार आया ना रैप्चर में, नहीं दूसरा बार में वो पृथ्वी में नहीं आया, वो मध्य आकाश में आया है हमको लेने का, हम सब उड़ेंगे, वो मध्य आकाश में आएंगे और हम सब स्वर्ग में जाएंगे, और हालेलुया साथ साथ हम स्वर्ग में रहेंगे, आनंद मनाएंगे, पुरस्कार मिलेंगे, यहाँ पर वेदना ही वेदना, मुसीबत ही मुसीबत, क्लेश ही क्लेश, हालेलुया। और उसके बाद 7 साल के वेदना के बाद यहूदी लोगों को बचाने के लिए यीशु मसीह वापस किधर आएंगे, यीशु मसीह धरती पर आएंगे, हालेलुया। यीशु मसीह धरती पर आएंगे यहूदी लोगों को बचाने के लिए, बहुत लोग यहूदी लोगों के विरुद्ध है, उनको बचाने के लिए 7 साल महाक्लेश के बाद आएंगे यीशु मसीह, हालेलुया। कैसे आएंगे, अकेला नहीं आएंगे, हम जो स्वर्ग में है, हमारा शादी यीशु के साथ हुआ है, वो हमारा दूल्हा है, हम उसका दुल्हन है, हम सब साथ में घोड़े में सवार होकर पूरा दुल्हन और दूल्हा इस पृथ्वी में आएंगे। क्यों आएंगे इस पृथ्वी पर, क्योंकि हम लोग 1000 साल इस पृथ्वी में रहने वाला है, राज्य करेंगे इस पृथ्वी में, हालेलुया। परमेश्वर परमेश्वर इस पृथ्वी को हिला रहा है, भूकंप आ रहे इलाके इलाके, सारा गंदगी को निकाल कर फेंकने वाला है, फिर एक पृथ्वी सुंदर हो जाएगा, हम सब यहाँ पर जहाँ पर यीशु है वो पृथ्वी एकदम सुंदर होंगे, हम सब यहाँ पर पृथ्वी में वापस आएंगे, और ऐसा नहीं रहेगा जैसा भी है, वो बहुत ही सुंदर रहेंगे, यीशु मसीह जब आएंगे पूरा वातावरण बदल जाएंगे, वापस शैतान नहीं रहेंगे, सिर्फ यीशु मसीह रहेंगे, हम वापस इस यहाँ पर आएंगे, कहाँ पर आएंगे, पृथ्वी पर आएंगे, हालेलुया। और आगे हम देखेंगे तो आपको क्लियर है, 144,000 कौन है, इज़राइलाइट है, कौन है वो, इज़राइलाइट है, हालेलुया। यहूदी के लोग, वो कोई कलीसिया के लोग नहीं, यहोवा विटनेस के लोग नहीं, वो कलीसिया ये यहूदी लोग है जो यीशु को एक बार, जैसा वो 12 चेला जब यीशु को जाना, पत्रोस योनान और याकूब और बहुत सारे लोग जब यीशु को जाना, वो लोग क्या किया, पूरा दुनिया को उल्टा फुलटा कर दिया, सबको यीशु में लेके आया, ऐसा कट्टर लोग है यहूदी लोग, एक बार यीशु को जानेंगे वो लोग जान तक भी देने के लिए तैयार। पर हम विश्वासी लोग इतना ठंडा हो गया, मुझे बताओ ये हफ्ता में किसी को आपने यीशु मसीह के बारे में बताया, किसी को यीशु में लेके आया, नहीं, हम तो हमारा जिंदगी खाना पकाने के लिए, रोटी बनाने में, कोरोना वायरस के स्टैटिस्टिक न्यूज पढ़ने में, किस किधर क्या हुआ, और इंस्टाग्राम में किसका स्टेटस बदला है, व्हाट्सएप में, इसमें ज्यादा मगन है। हालांकि अगर बात करेगा तो अरे यीशु के बारे में मत बताओ, लोग क्या बोलेंगे, लोग का मंडार, इसमें हमारा स्टेटस ज्यादा रखने के लिए हम रहता है, हालांकि परमेश्वर का स्टेटस नहीं। प्लीज ये सब छोड़ो, यीशु के बातों में वापस आओ, यीशु के प्रचार करो, अनेक लोग बचने दो, देखो अगर वो लोग नहीं बचेंगे वो नर्क में जाएंगे या महाक्लेश के बाद आग के झील में जाएंगे, वो लोग तड़पेंगे वहां पर। सोचो थोड़ा गर्म पानी हमारे हाथ में गिरेगा तो कितना मुचलते हैं, अच्छा लगता है नहीं, तो ये लोग पूरा 1 साल 2 साल नहीं, करोड़ों करोड़ों अनंतकालिक वो लोग जलने वाला है। तो आप कैसे आप रोटी कपड़ा मकान के पीछे भाग कर ये सब चीजें भूल गए, आप एक भी व्यक्ति को आप सुसमाचार भी सुनाता नहीं है, कोरोना वायरस के पीछे भाग रहे हैं, कितने लोग मर गए हैं, वो लोग मर गया क्योंकि आपने प्रार्थना नहीं किया है। प्लीज रोइए, अपने आंसू बहाइए, प्रार्थना कीजिए, लोग को लेके आइए। अगर एक कट्टर यहूदी लोग 7 साल में ऐसा प्रचार करने वाला जो हम 2000 साल हमने नहीं किया है, सोचो हम कैसा जिंदगी जी रहे हैं, क्या हम सचमुच यीशु से प्यार करता है, क्या यीशु मसीह आपके लिए मरा ऐसे ही मर गया कि ताकि हम चुपचाप बैठे लोग क्या बोलेगा ऐसा सोच के, नहीं आज से हमको जोरदार यीशु के लिए जीना, यीशु के लिए लोगों को लेके आना है। अगर सच्चा मसीहा है तो हमारा अंदर एक तरस रहेंगे लोग जो मर रहे हैं, हर वक्त आप न्यूज में सुनेंगे एक व्यक्ति मर गया, एक ने अभी लाखों में जा रहा है, तो वो लोग सब किधर गया, अभी नर के आग में वो जल रहे, वो चिल्ला रहे चिल्ला रहे, और वापस ना ही आग है वापस साफ है, और शैतान पूरा चारों उनको घेर कर सूली में चढ़ा कर उनके ऊपर कीला लगाएंगे, बहुत बहुत बाप रे, वो लोग बर्दाश्त के बाहर है नर, और आपके झील उसे बर्दाश्त से बाहर है। तो प्लीज कृपा करके आप चुप मत बैठो, आप यीशु में सबको लेके आओ, और क्योंकि ये लोग के ये 144,000 के और हम जाएंगे, ये लोग ने परमेश्वर की उनके मोहर ले लिया, इससे क्या होता है लोग सब लोग उसके उनसे नफरत करेंगे, कौन नफरत करेंगे, सारे दुनिया के लोग, क्यों, क्योंकि उनके ऊपर मोहर है,
और उनके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है, उन लोगों को बचा के रखा परमेश्वर ने। आमेन। ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे स्वर्ग से, हमारे ऊपर गिर के लोग मर रहे हैं, पर ये यहूदी लोगों को देखो, एक भी पत्थर उनके ऊपर नहीं आ रहा है। क्यों? उनके ऊपर मोहर लगाया। आपको मालूम है परमेश्वर आपके ऊपर भी मोहर लगाया, पवित्र आत्मा का चाप है, अभिषेक 13:14 में लिखा है, इससे आप भी बच जाते हैं। कोरोना वायरस से बच सकते हैं आप, आप डरो मत, सिर्फ आप डरो मत, परमेश्वर आपको बचा कर रखा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे लोग यहाँ पर यहूदी लोग के ऊपर नफरत करने वाला है, और इतना तक कि वो लोग मार डालेंगे, बहुत यहूदी लोग शहीद होंगे, क्योंकि वो लोग परमेश्वर का चाप दिया है, इसे क्रिस्ती विरोधी का चाप नहीं लेंगे, और जितने लोग क्रिस्ती विरोधी का चाप नहीं लेंगे वो क्या होगा, उनको शहीद होना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, आगे हम देखेंगे, ओके, प्रकाशित वाक्य 13:16 से पढ़ेंगे। अभी हम अभी तक क्या पढ़ रहा था, मसीह का मोहर। हम देखेंगे अभी शैतान का भी मोहर है। आमेन। अगर मसीह का मोहर है, शैतान, देखो शैतान सबका एक काउंटरफीट है, सबका क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट आदमी है शैतान, डुप्लीकेट आदमी है। उससे सब कुछ जो यीशु, वो देखेंगे यीशु क्या कर रहा है, वो वैसे ही डुप्लीकेट करेंगे। अगर यीशु ने मोहर लगाया, उसको वो भी जाके मोहर लगाएंगे। क्या मोहर लगाएंगे हम पढ़ेंगे यहाँ पर, उसने छोटे बड़े, हाँ, शैतान क्रिस्त विरोधी ने छोटे बड़े धनी कंगाल, धनी ने धनी लोग, बहुत धनी लोग और कंगाल मतलब गरीब लोग, स्वतंत्र दास, जो भी दास है स्वतंत्र, जो आजाद है, सबके दाहिनी, सबके दाहिनी हाथ पर या उनके माथे ना पर, उनके और या उनके माथे पर एक एक छाप कर दिया, एक एक छाप कर दिया, कर सके। हाँ, यहाँ पर क्या लिखा, अगर वो लोग छाप नहीं लेगा तो क्या होगा, कोई लेन देन नहीं हो सकता है। हालेलुया, आप डीमार्ट में जाएंगे, वो लोग क्या बोलेंगे, ए मास्क पहना है, मास्क पहना है नहीं पूछेगा, या आपका टेम्परेचर ज्यादा है नहीं पूछेगा, वो बोलेगा तुम इधर आ नहीं सकते, मास्क दिखाओ, तेरे हाथ दिखाओ, सर दिखाओ, अच्छा तुम्हारे ऊपर मास्क नहीं है, पुलिस जल्दी आओ, ये लोग मास्क नहीं ले, इनको लेके उनको सर कटवाओ। प्रेज लॉर्ड, ऐसा होने वाला है। हालेलुया, और जिनके ऊपर ये मार्क है शैतान, उनको बराबर उनको मालूम पड़ते किधर है वो लोग, ये मार्क के द्वारा जिधर भी आप किधर भी जाके छिप जाएंगे शैतान आपको देख सकते हैं। हाँ, ये व्यक्ति इधर है, आशा इधर है, आमेन, ये व्यक्ति इधर है, वो आपका आपका फिर कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं, पर्सनल लाइफ नहीं रहेंगे, जो भी तो छुटा है उनका व्यक्तिगत जीवन नहीं गा, सब कुछ खुलासा है, शैतान सब कुछ जानेंगे, आप क्या कर रहे हैं, किधर है, किसके साथ है, आप क्या काम कर रहे हैं, कितना पैसा आपको मिल रहा है, आपका कितना कैथी, आपका कैथी भी नहीं रहेगा, सब कुछ हड़प लेगा शैतान, सिर्फ आपको पैसा आपके हाथ में आ जाएगा, आपके मोहर के उधर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 17 में, हाँ, उसको छोड़ जिस पर छाप, अतार, उस पशु का नाम, पशु मतलब शैतान का नाम, क्रिस्त विरोधी का नाम, या उसके नाम का अंक हो, या उसके नाम के नंबर अंक हो, कोई लेन देन न, कोई लेन देन नहीं कर सकते, बोला अरे छाप नहीं है, मोबाइल चाहिए नहीं मिलेगा, पैसा छाप लेके आओ, और आपका ऊपर मोबाइल ना छाप, अभी मैं बुलाता हूँ वो आधार कार्ड वाला बनाने वाला, आके आपका हाथ में छाप रहे, आपको मालूम है हम सब ने, हम सबके हाथ में कुछ छाप है, हाथ पर अब सर पे नहीं आया, पर हमारे पास एक आधार कार्ड है। हालेलुया, आधार कार्ड, उस आधार कार्ड में जो नंबर है, हालेलुया, अभी आधार कार्ड में सब कुछ मालूम पड़ता है, आपका नंबर अगर लिखा, आपका मोबाइल नंबर टाइप करेगा तो आपको कोरोना वायरस हुआ है क्या, आपका वैक्सीनेशन हुआ, वो सब आधार कार्ड में होता है, अभी आधार कार्ड निकल जाएंगे और आपके हाथ में और सर पे चिप होगा, माइक्रोचिप जो अभी मोटोरोला कंपनी बना रहे हैं। हालेलुया, तो ये चिप डालने से आपका जितना आमदनी है वो सब इसमें आएंगे, चिप में आएगा, आपको कौन सा बीमारी हुआ सब चिप में आएंगे, कंप्यूटर में आपका पूरा इतिहास कुंडली आएंगे वहां पर। हालेलुया, तो यहाँ पर लिखते कि लेन देन कुछ भी नहीं कर सकता आप, अगर आप छूट गए यहाँ पर बिना ये पशु के चाप के, बिना कुछ भी कर ही नहीं सकते है। उसका मतलब है खाना नहीं मिलेगा, आप बोलेगा अरे छाप नहीं लेने के मेरे को, मैं यीशु का विश्वासी, अभी मैं विश्वास में दृढ़ हो गया, स्ट्रांग हो गया, अभी मुझे खाना चाहिए, एक हफ्ता के लिए आप भर के रखेंगे, पर एक हफ्ते के बाद क्या करेगा, फिर से जाने के डीमार्ट में, आपको रिलायंस में जाना पड़ेगा, एक एक स्टोर में जाना पड़ेगा, कैसे जाएंगे, फिर आप बोले अरे बाप रे क्या होगा अभी, तो एक हफ्ता का खाना थोड़ा थोड़ा काके काके काके
एक महीना तक रख नहीं सकते, एक साल तक रख नहीं सकते, फिर क्या होगा? भूखा मरना पर बहुत लोग, बहुत मसीह लोग जो बाद में विश्वास करते हैं या यीशु में पक्का आता है, वो सब भूख से मर जाएंगे। खाना नहीं मिलेगा, पानी के लिए पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, कोई आपको देगा भी नहीं, क्योंकि सब लोग आपके विरुद्ध आएंगे। जब आप मसीह, आप बोल रहे अभी तक आपको, आपने वैक्सीनेशन नहीं लिया, आपने मास्क नहीं पहन रहे या आपने छाप नहीं लिया, सब आपके विरुद्ध आएंगे, समझ गए? तो दोस्त दोस्त भी नहीं रहेगा। जितने लोग दोस्त थे आपका नाम बोले, अरे ये एक विश्वासी है यहाँ पर, इसको पकड़ो, उसे चाप नहीं लिया रहेगा, सब आपके आपको धोखा देगा। हालेलुया। इससे आपको माफ नहीं चाहिए, आपको क्या करना है? आप भागो, इधर आप मर जाओ, कत्ल हो जाओ, पर शैतान का चाप कभी मत लो। एटलीस्ट अनंत काल आप स्वर्ग में रहेंगे, नहीं तो अगर चाप रहेगा दो मिनट के लिए खुशी है, परंतु क्या हुआ, अनंत काल नरक में जाना पड़ेगा। अगर आपको चाप नहीं चाहिए, देखो एक तरफ यीशु का मोहर है, एक तरफ छे 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 का मार्क है। अगर ये छे छे मार्क लेगा तो गया खत्म। अगर आपको नहीं लेने गए, आपको क्या करने गए? अगर आपको मरने का भी नहीं, आप जंगल में भाग जाओ। और अगर जंगल में भाग जाएंगे, दूसरा चीज आप याद रखो, किसी परिवार वालों को बताओ मत, वो लोग विश्वासी होने तो उनको बताओ मत आप जंगल में, क्योंकि जब पुलिस उनको पकड़ने को आएगा, वो लोग पहला बोलेगा, उनको सताया जाएगा, बोलो किधर तेरा बेटी, किधर है तेरा माँ, वो कुछ वो लोग बोल देंगे, फिर सताव में वो लोग बोल देंगे हाँ वो जंगल में गया। तो किसी को बताओ मत आप किधर जाने वाले, किधर छुपने वाला है। तीसरा, आपका मोबाइल को मत लेके जाओ, अगर कोई भी छूट गया चेचे चे मार्क नहीं चाहिए, आपका मोबाइल मत लेके जाओ, क्योंकि उधर एक IMEI मार्क है, नंबर है। आप सिम कार्ड भी फेंक देगा, उसके अंदर वो IMEI मार्क क्रिस्त विरोधी आपको ट्रैक करेंगे, आप किधर है जंगल में कहाँ पर है, वो ट्रैक करके आपको लेकर कत्ल करेंगे, सताएंगे आपको। तो ये सब याद करो, मार्क मत लो, अगर मार्क नहीं लेना है आप शहीद हो जाओ, नहीं तो आप जंगल में भाग जाओ, और किसी को बिना बोल के बिना मोबाइल लेकर मोबाइल सब फेंक दो और भागो आपकी जान के लिए। यस, तो ऐसे सारे चीज होने वाला है। तो क्यों ना अभी आप प्रार्थना में लोगों को सुसमाचार बताने में, अभी तो पूरा आजादी है, किधर भी जाके हम सुसमाचार बता सकते हैं, हम यीशु के प्रार्थना कर सकते हैं, क्यों अपना टाइम फिजूल मोबाइल में बिता रहे हैं? आपके बच्चों को भी मोबाइल देता है लोग, छोटा भी पोकेमोन डोरेमोन देखो, उनको भी लेके बिठाओ आपके साथ, प्रार्थना करवाओ। हालेलुया, ताकि हम कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं रहना है, सबके सब यीशु के साथ उठना है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो दो तरह के मार्क, जिसके ऊपर यीशु का मोहर है उनके ऊपर कोई प्रकोप नहीं आएंगे, क्रोध नहीं आएंगे, परंतु वो शैतान उनको शहीद करेंगे, क्योंकि वो शैतान का मार्क नहीं लिया है। और जितने लोग 666 नंबर लिया है, शैतान का अंक लेता है, नाम लेता है उनके माथे पर, उसके हाथ पर, क्या होगा उनको? वो उनके ऊपर परमेश्वर का प्रकोप आएंगे। उसका मतलब है सात मोहर जो सिक्का परमेश्वर ने खोला, उसका प्रकोप सात, फिर दूसरा सात जब तुरी फूकेंगे परमेश्वर के मोहर आएंगे, क्रोध आएंगे, प्रकोप आएंगे। तीसरा जब कटोरों को उंडेलेंगे प्रभु का प्रकोप आएंगे, वो लोग सब सबके सब मर जाएंगे। खाली चिन्ह लोग 7 साल के अंत में रहेंगे, और ऐसे भयंकर चीज लोग के ऊपर पूरा फोड़ी आएंगे। जितने लोग मार्क लेंगे, प्रकाशित वाक्य 14 में लिखा है, उनके सर से लेके पाव तक फोड़ी फोड़ी बोलेगा, तो उसको कपड़ा भी पहनेगा, उसको छुएगा वापस, उसको उतारेगा, पूरा खून आने लगेगा। तो ऐसा फोड़ी आएंगे पूरा शरीर में, सर से लेके, सर में भी फोड़ी, शरीर कभी मिला किसी के शरीर में हुआ है फोड़ी? बहुत भयंकर है, आमीन। उसमें से खून पस निकलेंगे, हालेलुया। ऐसे से भयंकर, जितने लोग ऐसा शैतान की चाप लिया उसके ऊपर फोड़ी आने वाला है, वो है 7 तुराई के बाद पहला कटोरा में ये फोड़ी का चीज आने वाला है। हालेलुया, ऐसे बहुत भयंकर चीज होने वाला है। हालेलुया, इसलिए हमें इस समय में नहीं रहना है, प्लीज तैयार हो जाओ, यीशु जल्दी आने वाला है। और आगे हम देखेंगे क्या क्या गुण है जब हम प्रभु के मार्क लेते हैं। हालेलुया, इस परमेश्वर की मोहर लेने से क्या फायदा है? पहला क्या होगा, वो लोग सुरक्षित है, जितने लोग छाप लिया है वो क्या है, वो सुरक्षित है, उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगा, कोई भी न्याय नहीं होगा उनके ऊपर। हालेलुया, प्रभु का प्रकोप उनके ऊपर नहीं रहेगा, प्रभु उनको बचा के रखेंगे, और वे परमेश्वर के है। देखो जब भी किसी का ऊपर मोहर लगा तो उसका मतलब है परमेश्वर उनका मालिक है, उनके ओनरशिप है, आमीन, प्रभु उनका मालिक है। हालेलुया, अभी हम जब यीशु को उद्धार माना तो हम किसके हमारा मालिक कौन है? अभी शैतान है, यीशु हमारा मालिक है। उसी तरह जो भी इस मोहर लेगा, यीशु का मोहर लेगा, वो क्या है, वो परमेश्वर का है, वो परमेश्वर के जिएंगे,
परमेश्वर के लिए, परमेश्वर उनको बचा के रखेंगे, वो परमेश्वर का बेटा और बेटिया है, परमेश्वर उनको बचा के रखेंगे। एक तरफ हम देखते हैं कि लोग मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, पर विश्वासी लोग के ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, क्योंकि प्रभु का छाप मोहर उनके सर पे है, वो परमेश्वर का है। यस, हालेलुया। एवन आगे हम जहां अभी निर्गमन 12:23 में क्या लिखा आपको याद है, कैसे यहूदी लोग को प्रभु ने बचाया जब परमेश्वर का प्रकोप मिस्राइम देश के ऊपर आया, 10 तरह के सताव आ गया उनके ऊपर, है कि नहीं, पानी लाल हो गया, बड़े महा बीमारी आ गया। अभी आखिरी 10वीं जो विपत्ति आए थे यहूदी के ऊपर, ये यहूदी के ऊपर नहीं, मिस्राइम लोगों के ऊपर, फैरो के ऊपर, क्योंकि फैरो यहूदी लोग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, वो यहूदी लोग के विरुद्ध थे। देखो जो भी यहूदी लोग के विरुद्ध है उनके ऊपर न्याय आता है। अभी भी इज़राइल के जो लड़ाई हो रहे हैं, कभी भी इज़राइल के विरुद्ध बातें मत करो, उसको बोलते हैं एंटी सेमिटिज्म। ऐसे लोग को परमेश्वर का प्रकोप होता है। आमीन। कभी भी इज़राइल लोग के बारे में अच्छा बोलो। अगर आपके मुस्लिम लोग, आपके दोस्त लोग आप उनके विरुद्ध बोलते हैं, आपको सुनने का नहीं है। इज़राइल के लोग के लिए आपका क्या होना चाहिए, आपका प्रतिक्रिया हर वक्त उनके लिए प्रेम, उनके लिए प्रार्थना। प्रभु बोलते प्रार्थना करो इज़राइल के शांति के लिए। ऐसे लोग के साथ मिलजुल के मत रहो जो इज़राइल के विरुद्ध करता है। आमीन। क्योंकि इज़राइल परमेश्वर का प्रिय आपके पुत्र है, इज़राइल प्रभु का प्रिय है, तो हर वक्त इज़राइल पे प्रार्थना करो। देखो हम यहाँ पर देखते हैं निर्गमन 12:23 में क्या लिखता है कि जब इजिप्ट के ऊपर सारे माँ बीमारी रोग क्या आ गया, बहुत सारे तितली आया, उनको नाश किया, और एक तरह हम क्या देखता है कि यहूदी के तंबू में कोई भी विपत्ति नहीं आया। हालेलुया, कोई भी विपत्ति नहीं आया। इसे जब वो लोग क्या किया, उनके घर के फाटक के ऊपर यीशु का लहू लगाया। यीशु का लहू लगाने से, यीशु का लहू नहीं, मेमना का लहू लगाया, जिसका वजह से जब मौत के दूध आया उनके घर में, जाकर लहू देखा उसे, उनको छुआ नहीं, उनके घर में कोई मौत नहीं आया। उनको छोड़कर जहां पर मिज़राइम के लोग थे उधर जाकर मौत के दूत ने सबको मार डाला, सारे पैलोटा बच्चा को मार डाला, परंतु यहूदी लोग के एक भी बच्चा नहीं मारा। हालेलुया। इसलिए देखो, अगर एक प्राणी का लहू इतना सामर्थ है, कितना और यीशु का लहू या परमेश्वर का मोहर जो आपके सर पे ऊपर है, वो आपको कोरोना वायरस का सारे विपत्तियां से आप बचाएंगे। इससे एक्सीडेंट आपको नहीं हो सकता। हालेलुया। आपके ऊपर बीमारी नहीं आ सकता। प्रभु ने कहा है निर्गमन 15:24 में, मिस्राइम में होने वाला कोई भी बीमारी तेरे ऊपर प्रभाव नहीं होगा। फिर क्यों विश्वासी लोग मरते हैं, क्यों इसके ऊपर थोड़े थोड़े विश्वासी के ऊपर आते हैं, क्योंकि वो डरा हुआ है। दूसरा, वो लोग नकारात्मक बातें बोलते हैं, अरे हमारे ऊपर अभी बुखार आया, अभी कोरोना वायरस हो गया, अभी हम मर जाएंगे, हमको दम हो जाएंगे। आप लोग क्यों नकारात्मक बातें बोल रहे हैं, आपको क्या बोलने का है? नहीं, 1,000 मेरे भाई और 10,000 मेरे दाए और मेरे ऊपर एक आज भी नहीं। इसे आप लोग हर वक्त बोलते हैं, हर दिन Psalms 91:91 कबूली किया परिवार के तौर से। हर दिन हम लोग हर दिन परिवार और कर हमें ये Psalms 91 को बोलते हैं। हर वक्त सकारात्मक बातें बोले, नकारात्मक बातें मत बोलो। एक दूसरे को श्राप मत दो, मर जा, ऐसे बोलने से मर जाते लोग, उनको बीमारी आता है। तो जब भी आप मुंह खोलते हैं अच्छे बातें बोलो। बच्चे अगर नहीं बोलने को मालूम है, इतनी सिर्फ वचन बोलिए, उसमें बहुत पावर है, आपके मुंह के बोले में बहुत पावर है। इसलिए डरो मत और सही बातें बोलो, तो कभी बीमारी आपको टच नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि निर्गमन 12:23 के अनुसार लोग उस समय पुराना नियम है, पुराना वाचा में लोग बच गए। हालेलुया। क्योंकि आप पढ़ेंगे, क्योंकि यहोवा देश के बीच को मिस्रियों को मारता जाएगा, मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहां वो चौकट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, जहां पर लहू को देखता था वहां उस द्वार को छोड़ जाएगा। हाँ, वो मौत के दूत उस द्वार को छोड़ जाएगा, नाश करने वाला वाली को तुम्हारा घरों में, नाश करने वालों का मीन्स आपके घर में आके कोई हानि नहीं कर सकता। अभी एक और वचन है, एजिकल के नाव का 3 और 4 भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या होता है,
परमेश्वर एक आज्ञा देता है, वो बहुत गुस्सा है उस इलाका का लोग से, लोग के ऊपर, वो बोलते हैं सारे लोग को नष्ट करो, पर उसके पहले ऐसे लोग के ऊपर मेरा मोहर जाके लाओ, मेरा छाप लगाओ जो इस शहर के ऊपर रोता है, उनके पाप देखकर रोता है, उनके लिए मध्यस्थ प्रार्थना करता है। इसका मतलब मध्यस्थ प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है प्रभु आपको बचा के रखेंगे, हालेलुया। इससे हर वक्त मध्यस्थ प्रार्थना कीजिए लोगों के लिए, बहुत लोगों को इंटरेस्ट है ये प्रार्थना, अरे क्या मध्यस्थ प्रार्थना, क्या करने, क्या प्रार्थना करके, हम दूसरा चीजों में इंटरेस्ट है, पर मध्यस्थ प्रार्थना छोड़ो मत, प्रार्थना करो निरंतर, ऐसे लोगों को प्रभु बचा के। हाँ, फेसबुक लाइव में हम लोग शनिवार को आते हैं इंटरसेशन, तो हालेलुया मध्यस्थ प्रार्थना जारी रखो क्योंकि उसमें बहुत पावर है, ऐसे लोगों को प्रभु बचा के रखेंगे। ओके, हम पढ़ेंगे अभी एजिकियल 9 का 3 और 4। और इज़राइल के परमेश्वर तेज करूबा और तेज पूर्वों पर से जिनके ऊपर वो राह करता था, उनके जिसके उनके ऊपर वो राह करता था, भवन के देवदी पर उठ आया था। हाँ, और उसने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को, हाँ, जो कमर में दावत बांधे हुए था, पुकारा। हाँ, और यहोवा ने उससे कहा, यहोवा ने क्या कहा स्वर्गदूत को, इस यरूशलेम के नगर के भीतर, इस यरूशलेम के नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य, जिससे मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण, जो उसपे किया जाते हैं सांसे भरके और दुख के मारे चिल्लाते हैं, सांसे भरकर वो लोग मध्यस्थ करते हैं, दुख के मारे चिल्लाता है, उनके माथे पर चिन्ह कर दे। हाँ, उनके माथे पर चिन्ह कर दे, और जितने लोग के माथे पर चिन्ह कर उनको नष्ट मत करो, पर सारे लोग को, शहर के लोगों को मार डालो। मैं जब हम मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें बचा के रखता है हर एक विपत्तियों से, हर एक चीजों, इसलिए हर दिन आप दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने आप के से ज्यादा दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको आशीष करेंगे। हालेलुया। तो इस यहाँ पर हम देखते हैं कि पुराना नियम में भी ये सारे बातें होते थे, जब भी आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे ये सब पुराना नियम का पूरा अंत या उसका फुलफिलमेंट या उसका पूरा होना प्रकाशित वाक्य में पूरा होते, जो भी शुरुआत पुराना नियम हो गया है, नया नियम हो गया, उसके अंत जो क्लाइमैक्स है, जो पूरा होता है वो प्रकाशित वाक्य में पूरा होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे अपने लोगों जो उसका उनका है, जो प्रभु ने अपना छाप लगाया उनको क्या करता है, बचा के रखता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 14:1 पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे 144,000 कौन लोग है। आमेन। ये हमने जाना कि वो यहूदी लोग है, क्योंकि परमेश्वर अब तक किसका ऊपर फोकस था, अन्य जाति के ऊपर, अन्य जाति यीशु में आए, मेरा दुल्हा दुल्हन अच्छे तरह से रहे, मेरा कलीसिया आशीष पाए, अधरों के फाटक उसके ऊपर ना आए, उसके पूरा फोकस कलीसिया के ऊपर थे। जब कलीसिया उठाए जाएंगे उसके पूरा फोकस अभी यहूदी के ऊपर रहेंगे, उनको बचाने के लिए, उनको ऊपर चाप लगाने के लिए, हालेलुया, उनको सारे विपत्तियों से बचाने के लिए। हालेलुया। और यहाँ पर क्या लिखा है, प्रकाश 14:1 में दिखेंगे 144,000 के बारे में एक और बात लिखा है। हाँ, क्या लिखा है, मैंने दृष्टि की, फिर मैंने दृष्टि की, यौनान बोल रहा है यहाँ पर, और देखो देखो वो मेमना सियोन पहाड़ पर खड़ा है। हाँ, वो मेमना सियोन पहाड़ पर खड़ा है, उसके साथ 144,000। हाँ, मेमना, मेमना कौन है, यीशु मसीह के साथ कौन खड़ा है, 144,000 लोग उसके साथ खड़ा है, और जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है, उसके पिता के नाम लिखा हुआ है। यस, आगे 5 पढ़ेंगे हम। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हाँ, स्वर्ग से मुझे ऐसे एक शब्द सुनाई दिया गया, जो जल की बहुत धाराओं और बड़ा गर्जन का सा शब्द था। हाँ, और जो शब्द मैंने सुना, हाँ, वह ऐसा था, हाँ, मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजाते हो। ओके, तीसरा वाक्य, और वे सिंहासन के, हाँ, 144,000 यहूदी लोग सिंहासन के सामने, और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने नया गीत गा रहे थे। अभी किधर थे वो लोग, अभी इधर स्वर्ग में आए, वो लोग नया गीत गा रहे हैं, क्या गीत गा रहे हैं, और 144,000 लोगों ने, हाँ, जनों को छोड़
पृथ्वी पर से मोल ले गए थे, हाँ मोल ले गए थे कोई वो गीत न सीख सकता। हाँ वो वहां पर लिखा है कि कोई दूसरा ये गीत नहीं गा सकते, सिर्फ 144,000 ये गीत गा सकते हैं। हालेलुया, हमारा स्तुति आराधना गीत विश्वासी को छोड़कर दूसरे लोग गा नहीं सकते, वो लोग पिक्चर के गाने की तरह गाएंगे, पर हम लोग जब गाते हैं वो आराधना है प्रभु के लिए। हालेलुया, तो यहाँ पर जो गीत 144,000 लोग यहूदी लोग गाने वाला है वो किसी को भी नहीं जानते, सिर्फ वो लोग ही गा सकते हैं। और आगे ये वे है, ये वे है जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए, जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए, कुंवारे हैं, वो कुंवारे हैं, ये वे ही है, वे ही है कि जहाँ कहीं मेमना जाता है, जाकर ही मेमना जाता है उसके पीछे वो उसके पीछे पीछे होल लेते हैं। परमेश्वर की नियमित पहले फल देने के लिए ये पहलौटा है, जैसे यीशु मसीह पहलौटा है, ये भी पहले फल है। मनुष्यों में से मोल ले गए, मनुष्य सारे पृथ्वी के लोगों से उन्हें मोल ले गया, मुझे ये लोग मुझे उसका सीओ के साथ अशुद्ध नहीं हुआ, उसका मतलब है वो लोग का शादी हुआ है परंतु आत्मिक रीति से वो लोग पवित्र है। आमेन, हालेलुया, वो परमेश्वर के लिए अलग किया अपने हृदय को, अपने मन को पूरा तरह से प्रभु के लिए अलग किया। ओके, पांचवा में आएंगे, और उनके मुंह से कभी उनके मुंह से कभी झूठ ना निकलता था, निर्दोष वो निर्दोष है। हालेलुया, देखो परमेश्वर जो चुना हुआ लोग कैसे है, आमेन, उनके मुंह से कभी झूठ नहीं निकलता। क्या हमारे मुंह से जल्दी झूठ निकलता है, कुछ बोला नहीं ऐसा है ऐसा ऐसा चलेगा। हालेलुया, कितने लोग झूठ नहीं बोलता है, प्रेज द लॉर्ड, कितने लोग झूठ नहीं बोलता है, प्रभु जानता है। तो हर शब्द में हमें परखना है कि हम झूठ बोलते हैं, धोखा देता है, या हम सत्य में देते हैं। हालेलुया, क्योंकि एक दिन प्रभु का सिंहासन के सामने खड़ा रहना है। हम बोलते हैं अरे ऐसे ही मैं सफेद झूठ बोलते हैं पछाने के लिए, सफेद झूठ या काला झूठ, झूठ झूठ है। आमेन, हमको झूठ के आश्रय नहीं, क्योंकि झूठ का पिता कौन है, शैतान। हालेलुया, जब भी हम झूठ बोलते हैं हमको बोले नहीं मुझे झूठ नहीं, अगर हम लंबा चौड़ा बोल के हम सब कुछ बातें करते हैं वो भी झूठ है। हालेलुया, जो बोलना है उतना ही बोलने का। प्रभु का वचन कोरिन्थियों में लिखा है, जरा हाँ हाँ नहीं दो, ना ना होने दो, इसके ज्यादा बात करने से क्या पाप का कमी नहीं है। हालेलुया, तो ये लोग निर्दोष है, वो लोग अपने आप को अलग किया है दुनिया से, वो लोग गीत गाते हैं प्रभु का, ये है वो एक लोग 144,000 यहूदी लोग जो परमेश्वर उनको प्रकोप से बचा के रखने वाला है। ओके, वापस हम आएंगे प्रकाशित साथ में, 7:5-8 पढ़ेंगे हम। ओके, अभी 144,000 कौन है, वो 12 गोत्र, आपको मालूम है याकूब का 12 बच्चे थे, उनमें से 12 गोत्र हो गया, ये 12 गोत्र के लोग को बोलते हैं यहूदी लोग। हालेलुया, तो 12 गोत्र के लोग हम देखेंगे कितने लोग इस गोत्र में है। हालेलुया, अगर आपको मालूम है पहला गोत्र कौन था, यहूदा नहीं है, अगर हम उत्पत्ति में पढ़ेंगे वहां पर हम देखते कि पहला गोत्र सिमियोन, सिमियोन आता है। हालेलुया, और उसके बाद रूबन आता है, पहला गोत्र रूबन आता है, उसके बाद सिमियोन, उसके बाद लेवी, फिर यहूदा आता है। पर यहाँ पर हम देखते हैं पूरा उल्टा, क्योंकि यहूदा के गोत्र से यीशु मसीह आया, इसी यहाँ पर हम देखते हैं यहूदा के गोत्र पहला है, उनमें से 12,000 प्रभु उनको अलग करने वाला है। देखो सब यहूदी लोग बचा नहीं, खाली जो यहूदी लोग प्रभु के लिए अलग हुआ, प्रभु के लिए पवित्र है, जो पवित्र परमेश्वर का आज्ञा पालन करता है, झूठ नहीं बोलता है, धोखा नहीं देता है, और जो प्रभु के लिए निर्दोष है, वो कौन था, 12,000 यहूदी के गोत्र में। दूसरा हम देखते हैं कि 12,000 रूबन के गोत्र, रूबन के गोत्र बाद में आता है। हालेलुया, ये सब इसके साथ अर्थ है, क्योंकि रूबन के गोत्र, रूबन ने अपने पिता के बात नहीं माना। हालेलुया, बहुत सारी चीज है रूबन के बारे में, इससे उसके नाम बाद में आते हैं। रूबन यहूदा से भी पहला है, वो पहला पहलोटा था, फिर भी उसका नाम यहूदा के बाद आता है। तो उधर से 12,000 लोग, फिर हम देखते कि गाद के गोत्र से 12,000 लोग, फिर आशेर के गोत्र से 12,000, नप्ताली के गोत्र से 12,000, मनसिया कौन है, मनसिया याकूब का बेटा नहीं है, यूसुफ याकूब का बेटा है, यूसुफ का दो बच्चे थे, एक है मनसा दूसरा एफ्राइम, पर यहाँ पर हम देखते करीब मानसा का नाम है, इफ्राइम का नाम नहीं है। ओके, हम बाद में हम देखेंगे क्यों नहीं है। ओके, आगे शमौन, हाँ सिमियोन के गोत्र, अभी सिमियोन गोत्र में दूसरा था, पर उसका नाम देखो छठवा या सातवां आ रहा है। ओके,
लेवी के गोत्र, लेवी चौथा था बेटा योदा के पहले, पर उसका नाम भी पीछे आया लेवी के गोत्र। लेवी के गोत्र से कौन आया? याजक और लेवियाइट इस गोत्र से आते हैं। एरोन, एरोन इस गोत्र से आते हैं, एरोन और मूसा, उनमें उसके पापा अमराम और लेवी के गोत्र से है। ओके, फिर इसकार के गोत्र, जबनून के गोत्र, यूसुफ के गोत्र और बिन्यामिन के गोत्र। हालेलुया। अभी यहाँ पर आपको मालूम है कि क्या ये 12 गोत्र आया? याकूब के 12 बच्चे है यहाँ पर? नहीं, एक गोत्र मिसिंग है जिसके जगह में मनसा आया है। वो एक गोत्र कौन सा है बता सकते हैं? एक गोत्र है दान। चीटिंग। ओके, दान का गोत्र, दान के गोत्र यहाँ पर नहीं है। हालेलुया। तो ये प्रकाशित वाक्य 7:5-8 सरप्राइज होगा। ओके, 5-8 हम जब पढ़ेंगे यहाँ पर इसके बारे में विवरण है, है? कितने गोत्र, आई मीन 12,000 तक काउंट करेंगे तो कितने टोक आएंगे? कुल मिलकर 144,000 लोग को प्रभु ने क्या किया? मोहर लगाया। हालेलुया। यहाँ पर दान का गोत्र भी नहीं है और एफ्राइम जो यूसुफ का दूसरा बेटा का भी नाम नहीं है। क्यों नहीं है? हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 29:18-21 पढ़ेंगे। हम देखेंगे क्यों एक गोत्र नहीं आया, तो उसका मतलब ये बच नहीं गया क्यों। हाँ पढ़ेंगे, इसलिए ऐसा ना हो तुम लोगों में ऐसा कोई पुरुष या स्त्री या गोत्र के लोग हो मन आज हमारे परमेश्वर यहोवा से फिर जाए, आज यहोवा के वहां से फिर जाए और वे जाकर उन जातियों के देवता की उपासना करे। उसका मतलब मूर्ति पूजा करे। फिर ऐसा ना हो कि तुम्हारे मध्य ऐसा कोई भी जन हो जिससे वश कड़वा बीज उगा हो। ओके, हम पढ़ेंगे नहीं। इसमें क्या मतलब है कि ये दोनों गोत्र दान और इफ्राइम, ये लोग दोनों मूर्ति पूजक थे, लोग को भटकाते थे, बरमाते थे, आओ मूर्ति पूजा करेंगे हम, अन्य जाति के देवी देवता के सामने झुकेंगे, जिसका वजह से प्रभु ने बोला है ऐसा कोई भी करने वाला वो पूरा कुल को मैं खाट दूंगा, हालेलुया, नष्ट करूंगा। अभी अगर उत्पत्ति में भी देखेंगे तो वहां पर जब याकूब अपने बच्चों को आशीष करता है, उत्पत्ति 49 में लिखा है, डैन के बारे सबको आशीष करते हैं, यहूदी को बोलते हैं अरे तू तो बड़ा गुजर है, उसके बारे में अच्छा बोलते हैं, यूसुफ के बारे में अच्छा बोलते हैं, पर डैन के बारे में ऐसा लिखा है बोलते तू तो सांप है, तू जब काटेगा तो लोग पीछे जाएंगे। हालेलुया। तो सांप कौन है? क्रिस्त विरोधी, उसका मतलब शैतान का बच्चा। तो याकूब उसका पिता क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं कि तेरे बारे में अच्छा नहीं है, तेरे तू तो साफ होने वाला है, तू शैतान का बच्चा होने वाला है। ऐसे हम देखते हैं कि दान पूरे से परमेश्वर से दूर होकर मूर्ति पूजा और गलत चीजों में वो पटक जाता है। हालेलुया। इसलिए दान के गोत्र और एफ्राइम भी वैसे ही था, तो वो दोनों गोत्रों को परमेश्वर ने काट देता है। 12,000 जो है 12 गोत्र है, परंतु उसमें दान और एफ्राइम नहीं है। इस 12 गोत्रा से हम क्या देखते हैं कि वो लोग 12,000 परमेश्वर निकाल कर अलग करता है, उनके ऊपर मोहर लगाते हुए 144,000 को प्रभु ने बचा के रखता है। आमेन। इसे हमें क्या नहीं करना है? हमको मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके घर में मूर्ति है निकाल के उसको फेंक दो, लोग क्या बोलेगा कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप यहाँ पर मां क्लेश के नहीं रहेगा, क्योंकि मूर्ति पूजा परमेश्वर घृणा करते हैं। हालेलुया। अगर आप उतार के रखा है वो जाके फेंक दो, मूर्ति पूजा परमेश्वर घृणा करते हैं, मूर्ति पूजा से बाहर आइए। मूर्ति पूजा के वजह से प्रभु का क्रोध इस धरती पर आए हैं, भूकंप आता है, बहुत सारी चीज आते हैं क्योंकि लोग मूर्ति पूजा करते हैं। प्रभु का वो निंदा है, निर्गमन 20:4 में लिखा है जो मूर्ति पूजा करता है प्रभु कहते हैं तेरा 4 पीढ़ी तक ये श्राप निकलने का नहीं, श्राप आते ही जाएंगे, परंतु जो परमेश्वर का भय मानता है और उसका आज्ञा पालन करता है प्रभु 1,000 पीढ़ी तक मैं तुझे आशीष करूंगा। हालेलुया। तो हमें मूर्ति पूजा नहीं करना है, हमें प्रभु के बातों का आज्ञा पालन करके प्रभु के साथ हमें
बने रहना है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने प्रत्येका को क्या सीखते हैं आज हमें, हमने सीखा कि परमेश्वर के प्रत्येका को हमें कभी नहीं भूलना है। और परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर करुणा से भरा हुआ है, वो आपके ऊपर प्रभु का छाप लगाता है। और हम लोग, हमको क्या सीख मिलते हैं इसमें से कि हम सब सुरक्षित है प्रभु में, प्रभु का पवित्र आत्मा का छाप हमारे ऊपर है। इफिसियो 1:13-14 में लिखा है कि परमेश्वर के छाप हमारे ऊपर है, पवित्र आत्मा की छाप। जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं उस दिन से पवित्र आत्मा का छाप हमारे ऊपर आता है, हमारे माथे पर आता है, पवित्र आत्मा से हम भर जाता है। इससे हम, इसका मतलब हम परमेश्वर के हो, इसे हम सुरक्षित है, हम आशीषित है, हम चंगे है। इसे कोरोना वायरस आपको, हम सबको कभी नहीं छू सकते, इसे डरो मत, डरेंगे तो मरेंगे, इसे हमको डरना नहीं है। उसके विपरीत हमको विश्वास रखना है प्रभु के वचन पर, प्रभु के बोली पर हमको विश्वास करना है कि कोई भी मिस्राइम के मतलब दुनिया के कोई भी बीमारी हमारे ऊपर प्रभाव नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसे हमें प्रभु में बने रहना है हर वक्त, प्रभु हमें हर वक्त सुरक्षित रखता है। यीशु मसीह अपने प्रतिज्ञा को भूलता नहीं, इसे प्रभु ने जो वायदा अब्राहम को किया वो वायदा को प्रभु क्या करता है, पूरा करता है। कैसा, अपने लोगों को याद करके उन सबको प्रभु बाद में बचाता है। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको आशीष करे इस वचन से। और यस, और एक और वचन को पढ़ेंगे उसके बाद हम खत्म करेंगे। 2 तिमोथी 2:19 में लिखा है, तो भी परमेश्वर की पीढ़ी, हाँ परमेश्वर की बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, कि प्रभु अपनों को पहचानता है। हाँ, प्रभु अपनों को पहचानते हैं, हम सब प्रभु का अपना है, वो हम कुछ पहचानता है। और जो कोई प्रभु का नाम लेता, वो अधर्म से बचता, बचा रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमें हर एक विपत्तियों से बचाते, क्योंकि हम परमेश्वर का है। आप किसका है, आप परमेश्वर का, आप कोई मनुष्य का नहीं, आप परमेश्वर का है। प्रभु आपको बचा के रखे, चाहे कोरोना वायरस हो, तंगी हो, कुछ भी हो, सबसे प्रभु आपको बचा के आपको आशीष करते हैं। इस वीडियो को शेयर करने को मत भूल।